नमस्कार दोस्तों, मुझे फिल्मों में काम करते हुए करीब 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब मुझ पर बहुत प्रेशर रहा है कि मैं सोशल मीडिया ज्वाइन करूं। एजेंसी जानते हैं कि ब्रांड्स ये जानते हैं कि अक्सर ऐसे मौके आए जब करोड़ों की डील्स जहां पे सिर्फ एक ही क्लॉज था कि मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, लेकिन मैंने जाने दी है। जगह मैं चुड़ैल हूं और मेरे पैर उल्टे हैं, इस बात का फायदा उठाया कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं, मगर फिर भी मैंने कभी सोशल मीडिया पे मैं आई नहीं, क्योंकि मुझे कभी अपने ऑडियंस से वो दूरी महसूस नहीं हुई और मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं रूडिमेंट्री वे में क्यों कहूं। मैं फिल्मों के जरिए मैंने वुमन एम्पावरमेंट के बारे में इतना कुछ कहा, मैंने नेशनलिज्म के बारे में इतना कुछ कहा, तो मैं आर्टिस्टिक तरीके से कहूंगी, मैं डायरेक्टली ऐसी रूडिमेंट्री वे में क्यों कहूं, मैं तो आर्टिस्ट हूं। तो मेरा हमेशा ये एक इसके बारे में नजरिया रहा है। मगर दोस्तों, इस साल जो मैंने देखा है, मैंने पहली बार सोशल मीडिया की पावर देखी है और मैंने देखा है कि कैसे सारा विश्व एक साथ आके हम सब सुशांत के लिए हम लोगों ने जिस तरह से फाइट की और उसमें सफलता पाई है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हो गई है। मुझे बहुत आशाएं हैं कि हम सब मिलके इस तरह से जो भी हम न्यू इंडिया के लिए रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। और इसलिए इस महीने मैंने सोशल मीडिया पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम ऑन ट्विटर एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड मुझे आपका सहयोग चाहिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी जहां पे इतने सारे अमेजिंग लोग हैं और उनको जानने का मौका मिल रहा है और एक नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट टाइम बींग हियर। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं, कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से, डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइफ सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निकाला, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता है 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उनको उनपे केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद वो गायब हो गए, मेरी फिल्म रिलीज हुई गायब हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झिंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं
कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं, मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है, संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है, वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना, ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया, उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया, उसने ही डिडंट रिमेम्बर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था, वो ये नहीं बताएंगे कि कैसा चाहिए क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट।